नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। पीटीआई सरकार के एक वधीक धचको लगो है ए बरतानवी अदालत शहबाज शरीफ ए संदस खानदान खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जो जो केस है उन मां शहबाज शरीफ के बरी कर छो है ए समूरा इल्ज़ाम जो वे गलत साबित हैं। उनका सवाए सदारती ऑर्डिनेंस वापस थियण बावजूद एक दफो बीहर वफाकी हुकूमत भुंडार ए डुंगी जो बेट हैं सिंध हुकूमत के दरख्वास्त कई है तो उन बहाली के लिए नजरसानी कई वे। सैयद जलाल महमूद शाह एसयूपी के सरबराह गुजरियल डी गवर्नर हाउस में वजीर अजम इमरान खान से मुलाकात कई है। मुलाकात में बहरिया टाउन धरने केस के हवाले से जका सिंध एक्शन कमेटी जो मौकुफ़ है वो मौकुफ़ वजीर अजम वो रखे हुए इन अहम इशूज़ से अज अस स्टूडियो में ऐलान के दावत दिनी है। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजिए निगार मंजूर शेख साहब टेलीफोन लाइन से असें जॉइन किया है। एसयूपी के सरबराह ए सिंध एक्शन कमेटी के कन्वेनर सैयद जलाल महमूद शाह साहब शुरू क्यों था। सैयद जलाल महमूद शाह साहब का शाह साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब। कल गवर्नर हाउस में वजीर अजम इमरान खान से वहाँ मुलाकात कई है ए वजीर अजम तरफा सिंध हुकूमत के एक दफो बीहर या दरख्वास्त कई वही है तो भुंडार ए डिंगी जो बेट हैं जनते सिंध एक्शन कमेटी उन्होंने रद्द कर छो सजी सिंध सरापा एहतजाज हुई एक दफो बीहर वफाकी हुकूमत जो है उनके बहाल कर सिंध हुकूमत के चो है इन केस से रिथा से नजरसानी कई वे तहजी जी मुलाकात थी वजीर अजम से कड़ा इशूज जो डिस्कस थे इन केस मुताबिक कब गोल कन थी असाजी खबर भी कान असि बाकी जो बहरिया के मुतलिक थो वह बहरिया में जाती थी मेहरबानी कर एफ आई ए का जांच कराए तो यो थोड़ा असो ये तो असो करें न तो सिंध पुलिस के हवाले कर चार महीन रलाइन यो कई यही शाहजा बहरिया जो धरणों केस है जो ते बटी एफ आई आर थी सिंध हाई कोर्ट 27 जो एफ आई आर हैं उ खत्म कर छोड़ वजीर अजम जो इन हवाले से मौकुफ़ हो वजीर अजम की खबर चार कान असुस्टिगेशन एजेंसी जमीनों के मामले ते बहरिया में अज ही सूदों के मुख्तलिफ कदीमी गोठ हैं उनके बिल्डोज करे उनके डाथो पे वे खास तौर पर जो रहतू हैं या जो सुप्रीम कोर्ट फैसलो थो दिनों हो उ पैसा भी अजा ते यूटिलाइज न थी सकया उन हवाले से भी गाल बोल थी असि उन्होंने गड बीहूँ था उन्होंने भाई मददगार उड़ी तो कोई शहजाब तुम टेलीफोन लाइन से मौजूद रहो। मंजूर शेख साहब सीनियर साफ़ या सीनियर तजे निगार हैं जी। मंजूर साहब सैयद जलाल महमूद शाह सिंध एक्शन कमेटी कन्वेनर भी हैं ए वजीर अजम जो कल सर्कुलर रेलवे जो इफ्तिताह भी कयो उनका सवाए ब अहम इशू एक साहली जो कराची की राजधानी वाले जो पट्टी है उन नव शहर अर्जण की जो है वह रिथा सामूहदी वही है बो तो सिंध हुकूमत के दरख्वास्त कई वही तो तकरारी जो डिंगी ए भिंडार बेट हैं उनते नजरसानी कई वे जैसे तो यो ऑर्डिनेंस लैप्स भी थी चुको है ए सिंध एक्शन कमेटी मूवमेंट भी हलई उन बाद में प्रेशर थो सिंध हुकूमत के भी खदशा है कें ऐसो तो एक दफो बीहर इनके बहाली के लिए कोशिश कई पी वन मुझे ख्याल में बे शन जरूरत आड़ी आ जी दरख्वास्त है या जेका तव्हां ॿुधायो था त सिंध सरकार के चओ तो नज़रसानी कयो याने असा के दियो वापस तव्हां के याद हूंदो तो सिंध सरकार जेको आ ये बई बेट जेके हैं उहे ॾियण जे लाइ रज़ामंदी जो इज़हार कयो उहे लेटर्स भी जेके आहिनि सोशल मीडिया ते टीवी ते शेयर थिया ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हां इहो ॾिसंदा हूंदो त हिकिड़ी नई ब्रांड न्यू रिथा जो ऐलान जेको आहे उहो थियो आहे जंहिंजा तफ़सील जेके आहिनि उहे अञा ताईं चंगे नमूने से असाजे सामूँ ना आया पर वह चाहिए तो वे तो सीपेक में मच्छर कॉलोनी की जगह से सामुंडी इन पॉइंट का आसपास जो जो सजो इलाको आते एक नई जी आड़ी प्रोजेक्ट या स्कीम जी आड़ी वी हाँ ओचितो ओचितो जो इन टाइप स्कीम जी उनके
या इन किस्म के ऐलान के ऐसी मुख्य हरूभरू ये लगे तो को शक कर सकें तो जी बई बेट जे डुंगी भिंडार न दिना तो अस बो ऑप्शन ही है जो अनुमान शक थी सके तो इन का पैरों सीपेक में अड़ी कें रिथा की जो अस कदें भी का इन टाइप इंडिकेशन ना आई है सो तेज कर समझा तो सिंध सरकार जो उनके खबर आ चंगे नमूने से तो सिंध के अंदर कड़े किस्म जो रद्दमल अची सके तो कड़ो रद्दमल आयो को भी वो स्टेप जो सिंध के जो सिंध के मफादन के खिलाफ है सिंध के रिसोर्स के कब्जे जो है जैसा सिंध के सिंध के मानून के वे पैमाने पर नुकसान पहुंचे तो उनते जारी गाल सिंधी मानू तमाम घणो सेंसिटिव है साई पा जलाल महमूद शाह साहब जन पा बुधन पाया पा सिंध के इशूज से इन कंटिन्यूसली पे जो जिदोजहद कई है हाँ रेफरेंस भी आयो हवालों भी आयो मलक रियाज वाले बरिया वाले प्रोजेक्ट जो तो तेज कर समझा तो सिंध सरकार के यह चंगे नमूने से खबर आ गोगर वफाकी सरकार के भी खबर आ कें गलत फहमी न होजन घुर्जे तो का वफाकी सरकार के यहाँ खबर ना है तो सिंध जहाँ मानू जो वे सिंध के रिसोर्स सिंध की वहदत सिंध की जो जोग्राफी है सिंध के अंदर जो कुछ है वो उनते सिंधी मानू जो सिंधी पॉलिटिकल पार्टियों सिंध जो सुजाण तबको केतरो सीरियस है यह गाल निकल को पर शकील माँ अज साई जलाल महमूद शाह की मौजूदगी के फायद वे एक सवाल जरूर मां साई का रेज कदस त साई जी मीटिंग अज जी वजीर आजम से जी हुई या ऑलरेडी प्लैंड हुई या बाद में थी थोड़ो जो यो असा शेयर कदो तो असा आसानी गवर्नर साहब आयो मुझे चिंग वजीर आजम मिलन चाहे तो अचो अच्छा उनमें यो तहा गाल तो जरूर शेयर थी होंगी ना तो मीटिंग की एजेंडा छे तो ये मीटिंग जारी गाल तकड़ी तो को जल्दी जल्दी तो कोई तुम रीडिंग है तो वजीर आजम ज्यादातर पार्टी मफादन के तहत आयो पार्टी मांग ज्वाइन कराई वगैरह वगैरह आयो पार्टी पर जरूरत पड़ी अच्छा यानी वजीर आजम या पीटीआई सिंध के कॉम्प्रेसन के वेझो आने की कोशिश पी कर पा यो समझी सकूँ था जारी गल अलाई हर कें पार्टी के हुकूमत के घुर्जन था सही जी अलाई थींदा तो थींदासूं अलाई थींदा तो थींदासूं अना उन जे ला सिंसियर सिंसियर एफर्ट खपन ऐं या जेको तव्हां सीपेट जे मुतालिक़ पियो ॿुधायो प्रोग्राम हर को सूबो हर को मफाद शाह साहब हि जो कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन ठाने की गाल कई पी वे उन सिंध हुकूमत भी खामोश है तहजी मुलाकात थी तौता तो उनमें भी जिक्र न थो बाद में यो अनाउंस किया वो ऑफिशियली कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल अथॉरिटी जोन जो है वो कायम किया वो बेटन की भी गाल कई वही ये बई अहम इशूज आन स्टेक होल्डर जो उनके सिंध हुकूमत के भी एतमाद में नो वरतो वे सिंध जो सियासी पार्टियां कॉम्प्रेस सिंध एक्शन कमेटी उन्होंने जदोजहद भी कई है इन बिन्हीं इशूज से तहो मौकुफ़ इन बिन्हीं इशूज से हुकूमत के एतमाद में प्रोवेंशल आइनी तौर से कानूनी तौर से प्रोवेंशल मैटर आ जी अगर कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी सूबाई हदन के अंदर सिंध के हदन के अंदर सिंध की अगर कोस्टल ठाई बलोचिस्तान में सब गदाए सब वफाक करने की जरूरत पड़ी तो अड़े किस्म की जैसे अथॉरिटी कायम कई वे थी जो वजीर आजम भी गाल कई है वफाकी कैबिनेट भी गाल कई है तो पोए सिंध एक्शन कमेटी जो लाहेमल छा हुंदो असो यकीन ये होंद सूबाई रूह खत्म न कर सूबाई वाला उनके उनके कायम रहन घुर्जे उनके जो सामूंदी पट्टी सभी सामूंदी वह सूबाई है
सूबाई हदन के खत्म कर ठाया कोस्टल डेवलपमेंट ठाकुर अगर सिंध भी ठाकुर बलोचिस्तान भी अलग अलग था। शाह साहब इन्हीं सूरत में जैसे बेटन वो मामलो है कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल अथॉरिटी बेटन वालों जैसे वफाकी हुकूमत बजिद थे थी सिंध हुकूमत के मथा भी दबाव वजे थी इन सूरत में जैसे ईंदड़ वक्त असल माध्यम रो खिलाफ़ जैसे वह एजिटेशन हले थी इन दौरान जैसे तक इलेक्शनी इतिहाद लोकल बॉडीज में या इंदड़ जनरल इलेक्शन में पीटीआई से गड इतिहाद की कोशिश तुम वो इतिहाद कद या इन इशूज के करे वो इतिहाद का इनकार कद पार्टी मफाद प्यारा हूँ असि गे मफाद के कारगर रो तो कहे न हों जैसे इतिहाद जो इलेक्शन इतिहाद वो एस यूपी के प्लेटफॉर्म तक वो या को इम्कान है सिंध इलेक्शन कमेटी में जो पार्लिमानी सियासत कदड़ जमायतू हैं अगत हली उन भी इतिहाद थी सके तो खबर ना ये तुम पे गाल मेहरबानी सैयद जलाल महमूद शाह साहब तुम टेलीफोन लाइन से टाइम दिनों जी मंजूर शेख साहब हिंसर जो बड़ा इशू है उनमें वफाकी हुकूमत की नीयत जो अंदाजो लगा सके तो इन कर एजिटेशन रही तो वफाकी हुकूमत जरूरी समझो तो पे कौमप्रस्तन के एतमाद में वटज उन बाद में कल सिंध हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर से डो तो वजीर अजम जे भी इन अग ज चार पंज दौर उत चीफ मिनिस्टर के कोन घुराया वो पर कल कल सर्कुलर रेलवे जो इफ्तिताह होते सैयद मुराद अली शाह असर नजर आयो तमझो ता तो हि जी सीपेक की कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल अथॉरिटी जोन कायम कई वे इन में सिंध हुकूमत के भी मुमकिन है एतमाद में वरत वो होड़े किस्म की जो है कोशिश नजर अचे थी पे कॉम्प्रेसन के एतमाद सिंध हुकूमत के लगे ये तो जैसे बेट न तो ही अथॉरिटी जोन कायम थी वी दुदो शकील बटे शन सिंध के चीफ मिनिस्टर के जैसे वजीर आजम इंदो हो तो उनके इन्वाइट न किया वो ठीक है जैसे भी सेंटर सूबन में मुख्तलिफ़ पार्टियों की हुकूमतू हुजन थी तो ये थे तो तक याद हों तो पुराने दौर में जैसे पंजाब में मुस्लिम लीग नून जी या नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हों बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम होंगी तो उन वक्त भी इन टाइप असें सीन्स नजर इंदा हाँ असल में इशू यो मुराद अली शाह के एक दफो घुराने के पान ये शायद फौरी तौर पर ट्रांसलेट न क्यों तो सिंध सरकार वफाकी सरकार के विच में को वेझड़ापति थे या को इन टाइप मामलो इन जहाँ चांसिस तमाम घटन उन रीज़न यो तो वफाकी सरकार या पीटीआई की वद में वद कोशिश ही है त सिंध में कें न के नमूने से पैंजो इन्फ्लुएंस जो वो बधाया साई अरबाब रहीम साहब के खास एकड़ी असाइनमेंट मिलल है हाँ तुसो हों तो साई गोसली शाह वो पीटीआई में शामिल थी चुको आ वजीर आजम अचे तो वजीर आजम साहब जो साई जलाल महमूद शाह साहब चाहिए तो न्यापो मोक वजीर आजम साहब मिलन घुर्जे तो हाँ यो एक सजो टारगेट है ना तो सिंध के अंदर जो पीपी मुखालिफ जो धुरियो हैं उन्हें जो वो बधाए जे कॉन्टेक्ट्स बधाएजन आस्ते आस्ते जो पीटीआई जो मिसाल तौर तो अगत जनरल इलेक्शन तो पकते पैरों जो लोकल गवर्नमेंट या इन टाइप का इलेक्शन जो मामलो भी थे तो उन में भी जारी गाल हर का पार्टी हर हुकूमत पाँ अलाइज वो ऐसे थी पर में इम्पोर्टेंट गाल है वह ये पीपल्स पार्टी के चंगे नमूने जो खबर आ सिंध जो मानू जी चाह पो ना सिंध जो मानू उन कि रिएक्ट करे तो सिंध के नेशनलिस्टन के भी चंगे नमूने जो खबर आ को भी अड़ो स्टेप जो कें भी नमूने से यो इम्प्रेशन जो नाजरीन नंढड़ो कमर्शियल ब्रेक वा ब्रेक का वापसी से प्रोग्राम के कंटिन्यू क्यों वेलकम बैक नाजरीन
प्रोग्राम में असांके सूबाई वजीर फयाज अली बुट साहब भी ज्वाइन किया असा प्रोग्राम में भलीकार खेस भलीकार चौंदा जी मंजूर साहब गाल हले पई कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल जेका डेवलपमेंट जोन आ जेमे वजीर आजम जेको अनाउंस किया है सैयद जलाल महमूद शाह भी कल मुलाकात कई जैसे सर्कुलर रेलवे जो इफ्तिताह हो तो उत सीएम सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद हुए तो सिंध जहा बे अहम इशूज उन्होंने तफसील का सिंध के मानून के गुजो रखो पो वे न वफाकी हुकूमत जाहिर कर रही है ना सिंध हुकूमत सिंध हुकूमत अगत बेटन के खदशन जो इजहार कर पर हि जो नो प्रोजेक्ट है जैसे चो पो वे तो सी पेक में शामिल है इन जहाँ तफसील सिंध के मानून के का खबर को साई जलाल शाह भी चाहिए ना बेसिकली प्लान यो है बलूचिस्तान सिंध जहाँ साहली इलाका उ मिले वफाकी कंट्रोल में होजन तो सी पेक के थ्रू उत प्रोजेक्ट्स वगैरह एडा होना ठाजन हाँ यो जो सिंध बलूचिस्तान जो सो जो साहली इलाको है इन के कें कें शकिल से वफाकी सरकार के कंट्रोल में इस्लामाबाद के कंट्रोल में आने के लिए हाँ का न अड़े वे अरसे का जनरल ज़िया के ज़माने का जो प्लान्स हुआ मिसाल ओशन अलाजी इदारो या डिपार्टमेंट ठाने की कोशिश हुई उन मुख्तलिफ़ वक्त से बी कोशिश थी पीटीआई की हुकूमत जो याद हों साल सवा पे उन भी ट्राई कई पर आ चवे तो हि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सीपेक में कदें भी न रो एटलीस्ट को बुध आ फ्रेंकली स्पीकिंग हाँ शुआ तो भिंडार जो डुघी जो डेमन पो बेटन से जै नमूने से रद्दअमल आयो सिंध जो ए पीपल्स पार्टी भी जारी गाल महसूस कर वरती तो सिंध के अंदर इनते मानू तमाम घना सेंसिटिव हाँ वो सागो वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी सरकार के हाकार कंदी यो फ्रेंकली स्पीकिंग मुख्य नजर अचे गडोगर को भी अड़ो स्टेप जैसा इवन यो लगे तो सिंध जहा कौम परस्त थोड़ा भी टिल्टेड कें भी अड़े प्रोजेक्ट की हिमायत में तो जारी गाल उन भी सख्त किस्म की तनकीद थी और नो समझा तो को भी अड़ो मू जो सिंध के मफादन से जो वो सचो आ सिंध के रिसोर्स से सिंध की मालिकी के जे हक के दिलियन तस्दीक उनके तस्लीम करे तो को अड़े किस्म के फयाज अली बुट साहब का ओपिनियन वूँ था बुट साहब कल वजीर आजम कराची के दौरे पे पहुतो सर्कुलर रेलवे जो तो सर आवाज अचे पे बुधन में बुट साहब कल वजीर आजम इमरान खान कराची के दौरे पे पहुतो हो सर्कुलर रेलवे जो जो इफ्तिताह के वो ते वडो वजीर सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद हुए उन बाद में गवर्नर हाउस में एसयूपी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह वजीर आजम से मुलाकात कई मुलाकात का एकड़ो डी अग में कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन जो अथॉरिटी आ कायम करने की गाल कई वही बेटन के हवाले से सिंध हुकूमत के दरख्वास्त कई वही तो बेटन वाली जो रिथा है उनते नजरसानी कई वे हि बई अहम प्रोजेक्ट आन बेटन से अग में सिंध हुकूमत खर्चन जो इजहार कर चुकी है हि जो साहली पट्टी से नव शहर जी रिथा है उनके पीपुल्स पार्टी किए थी समझे जी अच्छा बिल्कुल सर्कुलर रेलवे स्टेशन जो यो सिंध गवर्नमेंट सी पेक में साई मुराद अली शाह साहब पा विधाय सी पेक में गवर्नमेंट को नवाज अली को मुराद अली शाह वो उन्हें कराया हो जी जी वो फिडल आए प्रोजेक्ट सभी इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है सी पेक वाले एक सुनो अमल है जो पर्सनल सिटी डेवलपमेंट सुधी है अस सिंध वाले तो सदा इंदा सा भी फिडल गवर्नमेंट वाला कह रहा अगर सही हलन था तो सुी गाल सिंध सिंध को पाकिस्तान में रहूँ था असो हक है पाकिस्तान पाकिस्तान असल गवर्नमेंट जो मुकमिल असो जो शेयर खाए वो मुकमिल अच्छा हि जो साहली पट्टी से नो शहर जो नए शहर की रिथा है कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की गाल कई पी वे उनके पीपल्स पार्टी की थी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के ऑन बोर्ड में वरतो वो तहे जान है थी अथॉरिटी जो नो शहर ऑन बोर्ड वो उसूल पट्टी की सिंध गवर्नमेंट की है सिंध गवर्नमेंट जो ही हिस्सो है कम पे असराज है अच्छा बेटन के मामले से एक दो बीहर वजीर आजम सिंध के वे वजीर के दरख्वास्त कई है तो बेटन वाली जो रिथा है जैमें ऑर्डिनेंस जारी किया वो तो लेप्स थी चुको है
बीहर नजरसानी की दरख्वास्त कई वही है बेटन वाली रिथा से सिंध हुकूमत नजरसानी करे जी मंजू साहब ही जे के बई अहन रथा फयाज अली बुट साहब जो चवण है जैसे सिंध के मुफादन में होंद आइनी कानूनी तौर से तो इनते डायलॉग थी सके तो गाल थी सके तो पहरियो त फया साहब खा इहो पुछजे न त जे करे असा जी मर्जी तहत थिदो त पो असा के कबूल आ पीपल्स पार्टी जी मर्जी छाहे जे करे मखे इजाजत दियो मा साईं का पुछा फया साहब पीपल्स पार्टी की मर्जी छाहे साडे बारे में ना आवाज थोड़ो घट पोची जी जी बुधायो या बेटन जे रिथा जे की आए बेटन वाली भाईजान दिसो असा जी मर्जी आए त असा को जो पाण कम कनासी फिडल के नदी दादी जो असा नि सिद्धू को बेटन दा सिद्धू को प्रॉपर्टी है असा पाण कनासी पर फयाज साहब फेडरल हुकूमत जे के कैबिनेट जा वजीर आइन ओए बार-बार यो चोंदा रहया आइन त यो प्रोविंशियल न वफाकी सब्जेक्ट आए हियर जे के नए शहर जी गाल कई पई वने कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी उन जे लाय भी यो चयो पे वने तो वफाकी हुकूमत जे मातहत आए ए वफाकी सब्जेक्ट आए त इन हवाले सा छासी हुकूमत ऑन बोर्ड समुद्र जिते जिते लगदो आ उने में अंदर पई जे का जमीन आ वो सिद्ध गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी बगैर जे वफाक डाड मुची करे थी तो उने हिसाब सा असा पलो एफपीआर नोट कराईदा थी सीसीआई में या किते बड़े फोरम में आई जरा सा प्रॉपर्टी ऐसा पता करी सकन ओदे हिसाब से तो भाई जोर से परी तरह उसूलन आईनी तो ऐसा जाए अच्छा यो फयाजली साहब ता सिंध काबीना में बैठा हो छा इन हवाले सा सिंध हुकूमत सा का लिखत में गाल बोल थिया है या जेको वजीर आजम जो दौरो हो तो सिंध के वडे वजीर सा अड़े किस्म की गाल थी है नए शहर जे बारे में जका साइली पटी दे डेवलपमेंट कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी जी का जीरो गुरखानी या कल वजीर आजम वेकन का पो या मूवमेंट किया पो इन जे असा जी गवर्नमेंट साईं मुराद अली शाह चेयरमैन साहब का मजरो कदो सिंध जे हकन जी जे लाइ असा कदा सिंध जे करे वो अगे सो तो असा लखदा बा बुधाए तो जमीन असा जी कोस्टल किते ताई दा वो पाकिस्तान दे जमीन का लेगा कोर्ट कासिम के भी असा सिंध गवर्नमेंट जमीन दा ते असा जी जो जो कराची है कोर्ट हुआ भी सिंध गवर्नमेंट जमीन है तो वो असा का वटदा है सिंध गवर्नमेंट का भाई असा पंजाब के डिपार्टमेंट का कदा सी जमीन आज भी सिंध गवर्नमेंट जी का फयाज अली बुट साहब वफाकी हुकूमत जो चवण आए तो नव शहर जो कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो सीपेक जो हिस्सो आ जेकर सीपेक जो हिस्सो आ जाहिरात सिंध हुकूमत में ऑन बोर्ड वरतो वे होंदो या सीपेक जा जेके प्रोजेक्ट्स आन उनमें भी सूबन के एतमाद में नथो वरतो वने भईया दिसो इन में दिसनो पोंदो आ जेकर उन जी गाल आए त दिसनो पोंदो जेकर वो सीपेक में आए त कोर्ट से वरी जीरो अमल होंदो लेकिन ना है त असर जीरो सिस्टम होंदो जी मंजू साहब ही सीपेक जे जो को है सीपेक जा जेके भी रिथा हुआ है प्रोजेक्ट है जेकर मुख्तलिफ सूबन में उनन सूबन में जाहिर है सूबन के तो ऑन बोर्ड वरतो वे होंदो या सूबन के बाहर रखी करे पो फैसला किया विंदा है न बिल्कुल सूबन जी रजामंदी ए सूबन जी पार्टिसिपेशन का सवाए पाकिस्तान के अंदर केड़े भी किस्म जो प्रोजेक्ट हुजे वो जो कोआ वो मुमकिन ना है असूली तौर पे फ्रैंकली स्पीकिंग सीपेक जे फेज 1 में जेके भी पावर जा मनसूबा पंजाब में बे मुख्तलिफ किस्म जा आईटी जा मनसूबा ये जेके सजा मनसूबा हुआ बलूचिस्तान के अंदर कुछ मनसूबा उनन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जेके हैं उनन के न सिर्फ एतबाद में वरतो वो पर जेके जॉइंट इदारा हैं जिते डिसीशन थे तो उते भी सूबन की नुमाइंदगी जेकी मस्ट ऑफ फ्रेंकली स्पीकिंग हाँ ते जेके पान वे थर वाला जेके प्रोजेक्ट है सीपेक जो हिस्सो है सिंध सरकार बड़े पैमाने तो उनमें इन्वॉल्व हुई गाल है तो वफाकी सरकार जैसे चाइनीज हुकूमत से चाइनीज कंपनी से जॉइंट एक्शन कमेटी है इनकी जी उनमें जैसे प्रोजेक्ट जेके भी मूव कन था जारी गाल तो उनके पोया भी प्रोविंसिस जारी गाल ये थोड़ी मुमकिन है सिंध के अंदर को भी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के अंदर को भी प्रोजेक्ट या बेन सूबे के अंदर को भी प्रोजेक्ट जो पंजे तौर से वफाकी सरकार मूव कर सकती प्रोविंसिस की पार्टिसिपेशन जरूरी है पर मैं समझा तो यो तमाम इंपॉर्टेंट आ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाँ तकरीबन चार ढी खन थी वह यह शे जी गर्दिश में आ मुख्तलिफ खबरू जन हलन थी अजू असा इन गाल
पीपुल्स पार्टी के सरकारी तौर से ऑफिशियली पॉलिसी बयान जो वो जारी करण घुर्ज इन रिथा के हवा से पीपुल्स पार्टी जो मौकफ है। बाकी सिंध के अंदर एक ऐसो वे अरसे का यो इशू मौजूद आ तो सिंध के सिंध सरकार के या सिंध के जमीन से मुख्तलिफ इदार कब्जा है वे पैमाने से जैसे डूंगी भिंडार डेम बेटन वो मामलो आयो उन वक्त भी पोर्ट कासिम की मालिकी सिंध सरकार की मालिकी इनकी मालिकी उनकी मालिकी इन में बराया ही को सिंध जो जी समूर जमीन हुई सिंध की मिल्कियत है उसे लीज ही तेज कर टेटी छहठ या नवानवे साल के लिए थन थी जैसे लीज खत्म थी वे ऑटोमेटिकली वह जमीन जी रिवर्ट थी थे सिंध के तरफ तो हि भी जहाँ मिसाल मच्छर कॉलोनी उनके आसपास जहाँ इलाका जो भी आन उ सजा इलाका उनकी सजी जमीन जी सिंध की मिल्कियत यो दैट इज़ वेरी मच क्लियर कंस्टिट्यूशनली मारली हर लिहाज का। पर इवन तुम अंदाजो कर तो जैसे अड़ो किस्म जो को भी प्लान है तो बलूचिस्तान सिंध जहाँ साहली इलाका है उन्होंने कें भी प्रोजेक्ट या कें भी रिथा के हवा से तहन में का शे हुए तो उजे तौर पर थी वी बलूचिस्तान जहाँ मानू पैं साहली पट्टी के हवा से तमाम घना सीरियस असें खबर आ न सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि उत भी रिएक्शन थो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट जी कें भी सूबे में उनका कें भी मूँ के का भी शिकायत न रही है रुगो गाल है तो जिते तुम डेवलपमेंट कर उन मानून का पुछंद तो बबा तक डेवलपमेंट कड़े किस्म की घुर्ज अस ही प्लान है इन प्लान में सिंध बलूचिस्तान फलान फलान सूबन के फायदे कर फायद इन तो उनजा ही ब टे चार पंज बोर कर को भी प्लान पॉलिसी बयान की फयाज़ अली साहब ही जो नए शहर की गाल कई पे वे उनमें मच्छर कॉलोनी में वी पंजवी हजार मानू जो वो डिस्प्लेस उन हवाले से सिंध हुकूमत की पॉलिसी कड़ी है सरकारी तौर पर अजा सिंध हुकूमत की पॉलिसी असें नजर न आई है। फयाज़ अली मुट साहब से असो रो जो है वो मुनकते वो है कोशिश क्यों तो रो जी ही बहाल थे जी मंजूर साहब सो भाई सरकारी बेटन वाले मामले से जैसे एक सीक्रेट लिख पढ़ थी हुई तेस तक का खबर न हुई जैसे प्रेशर आयो सिंध एक्शन कमेटी सिविल सोसाइटी मोहन जो तंजीमों उतना प्रेशर आयो तो पो एक सीक्रेट जो लेटर है वो जाहिर थो उन सिंध हुकूमत विड्रा थी छा में भी ये न है तो को अड़ो उझो सीक्रेट इनके रखे वो हो ही तो ओचतो जो जाहिर थो है वफाकी हुकूमत गाल कई पर सिंध हुकूमत की अजा तीन चैन पीन गुजरण बावजूद पॉलिसी बयान जारी करण में एक शक शुबा जन्म वा माजी जहाँ तजुर्बा उनमें बे शी इम्पोर्टेंट एकड़ी गाल है शबर पी जो रद्द अमल केतरो एब्रप्ट है फोरी है या तुम रद्द अमल जो को वो नजर ही को अचे त चुप आयो खामोश आयो या खामोशी जो टाइम वधंदी तो धारी गाल शक शुबा थी लास्ट टाइम भी बेटन वाले मामले से अचानक खबर पी तो फेडरल गवर्नमेंट एक लेटर जारी कर तो वाह ही ऐसो हि तो असें वही चुका है हाँ कड़ी गाल बुदा तो कितनी पीपल्स पार्टी ला एम्बेरसिंग किस्म की सिचुएशन हुई हाँ सरकार जे करे जे का वेठी है सिंध के अंदर वह कें भी शे रजामंदी जो इजहार कर अंदर अंदर लेटर जो वो जारी कर छे ठीक है खबर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी पॉलिटिकल लीडरशिप आ उनके खबर ना उ वरी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिंध के इशूज से गाल शुरू कर दी बिलावल भुट्टो जो तमाम घना अड़ा बयान जो सिंध सरकार फैसला कंदी आ उनका बिल्कुल उलट ही ना लगे लगन यो है तो या तो मानु के अखियन में धूड़ विझण की गाल या तो साई के चेयरमैन साहब के जो खबर ही ना तो सिंध सरकार जी वह करे हाँ जैसे पीपुल्स पार्टी ब टे चार पंज ढी इन खामोशी जो मुजाहरों की तो सारी गाल शक वरी ओचित तक खबर पवी तो यार हि जो प्रोजेक्ट है जो वफाकी सरकार चवे थी इन तो पीपुल्स पार्टी रजामंदी जी उनको इजहार कर चुकी है हे पेपर अव किथा पेपर लीक वरी पीपुल्स पार्टी ला एम्बेरसिंग किस्म की सूरत थी सके थी मुखे पक है मुखे माँ के यकीन रखने की कोशिश कदस मुझे अला कर ये हो पीपुल्स पार्टी अड़े किस्म की का शे न कई हुए पर पीपुल्स पार्टी के इन वेही चंगे नमूने से
एकड़ो मौकफ जो घुर्जे सिंध के मानून के बुधायण घुर्जे तो बाबा इनते असो मौकफ छे वो मौकफ जो वो सिंधी जे सिंध जो मून उन मफाद ए सिंध की जहाँ सजी जी इंटायरिटी में उनका हक है उन पस मंदर में होजन घुर्जन रहा कर ये थे पर प्रैक्टिकली असा दिखो है बहरिया जो जमीनू होजन सुपर हाईवे के बिन्हीं तरफन का जमीनों की अलाटमेंट हो लीगल अलाटमेंट होने असा दिखो है पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी उनके बार्गेनिंग टूल तौर इस्तेमाल किया है उ मामला जो प्रेशर अचे तो प्रेशर का पोए उनके सिंध के मानू के दिखाने लाइ एड्रेस कंदा पर प्रैक्टिकली असा दिखो है तो वह बार्गेनिंग थी वजे थी पी खबर पे थी तो वह जो जमीनून उन्के मिली वन इशू के भी एड्रेस किस्म जो मामला ना ऐसो बहरिया के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वो सिंध के जमीन से कड़ी हालत कई यह हाँ लिखल को शकिल आओ समझा तो जैसे मिसाल तौर से कें भी पार्टी के या पीपल्स पार्टी के या गलत फहमी आ तो सिंध के सिंध जहाँ मानू जो ना वो इन सजे ट्रिकसाज के इन सजी चालाकियों के ना समझन आओ समझा तो धुरी उ पार्टी जो काफ़ी साधियों सिंध के अंदर जो रद्दमल थे तो ऐसो सोशल मीडिया मुख्तलिफ़ असा मीडिया में लिखंदड़ गालहिंदड़ मानू वे अंदाज में चिटे नमूने से खुली जो वो गाल कन था एक गाल किथे लिके न थी हाँ मतलब जैसे पीपल्स पार्टी या बी का भी पार्टी लिक छप में पैंजे मखसूस पॉलिटिकल मफाद की हासिलात लाइ जड़ा फैसला कन था तो उनको जारी गाल जरूर फर्क पे तो सिंध के अंदर सिंध के शहर में पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में उनके वोटन की जो ग्राफ है वो किरंदो रो सिंध जहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिसो मुझे पक है तो पीपल्स पार्टी की यह खबर है ये ना पर जै डी का थोड़ी बेहतर किस्म की इंडिपेंडेंट किस्म की इलेक्शन थी वही तो तक खबर पवी तो असुल वोट जो जो काउंट है वोट की जो फॉलोइंग है मानू की फॉलोइंग है किथे बिठी आते असो प्रोग्राम जो वक्त पुजाणी के पोतो मंजूर शेख साहब तहांजी मेहरबानी टेलीफोन लाइन ते असांगे सैयद जलाल महमूद शाह जॉइन कियो ए सूबाई वजीर फयाज अली बुट साहब बिन्हीं मेहमानन जो भी असा शुक्रिया अदा कयूं था नाज़रीन इंदड़ प्रोग्राम में वरी कें बे उनवान से हाज़िर थींदासूं तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहिगुरु।